आरती भाटिया और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ उन लोगों को जो बहुत इम्पल्सिव बायर है, जल्दी से पैसे खर्चते हैं, बहुत ज्यादा खर्चते हैं। हमारी फैमिली में भी होता है ना एक मेंबर जो बहुत ज्यादा खर्चे कर लेता है और बहुत जल्दी जल्दी से पैसे खर्चता है। हम सभी में कुछ न कुछ किसी न किसी टाइम तो ये होता ही है दैट वी आर इम्पल्सिव बायर्स। कोई चीज मॉल में गए, चाहिए या नहीं चाहिए, हम उसे बाय कर लेते हैं, फटाफट से खरीदने की करते हैं और हमारे पास हो तब भी हम ले लेते हैं। अब एक लेडीज की बात है, लिपस्टिक का कलर है, रेडी कलर है, आप रेडी कलर के कम से कम नहीं तीन चार आपके पास होंगे, सभी के पास होंगे, हम सभी के पास। और अगर कोई कपड़ा है तो सेम कलर का आप लेते जाएंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रही है ना उसकी एनर्जी आपको। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टिप दे रही हूँ उन लोगों के लिए। अब आई थिंक माई सिस्टर हेयर इज गोइंग टू किल मी फॉर दिस, बट स्टिल दिस इज फॉर यू माई डियर, बिकॉज यू आर एन इम्पल्सिव बायर इन द फैमिली, एवरीबॉडी नोज दैट। और मेरा भी बहुत खर्चा कराने की जिम्मेवारी आपके ऊपर जाती है, इसलिए मैं बता दूं कि वो लोग जो इम्पल्सिव बायर है, वो लोग जो बड़ी जल्दी से पैसे खर्च सकते हैं, उनके लिए ये है। और साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। अब एनर्जीज किस एरिया की होती है जो आपको ज्यादा खर्चने के लिए मजबूर करती है, नॉर्थ ईस्ट की। अब देखिए, या तो आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में होगा, या आप सोते नॉर्थ ईस्ट में है, या आप रहते नॉर्थ ईस्ट में है, जितना आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में रहेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, आपकी एनर्जीज इम्पल्सिवनेस की और स्पेशली बाइंग के मामले में। और ईस्ट की जो एनर्जी है, चाय जिसको कहते हैं, ईस्ट की जो एनर्जी है वो कभी कभी केयरलेस हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट तो स्पेशली इम्पल्सिव बनाता है, अब ईस्ट की एनर्जी आपको केयरलेस उसके साथ एड हो जाती है और वो जो एक्सेसिव एनर्जी है वो केयरलेस बना देगी आपको। इन एनर्जी से अपना एक्सपोजर कम करना, तब आपके पास पैसा जुड़ना शुरू होगा, अभी आपके लिए है स्पेशली। अब नॉर्थ ईस्ट आपको वैसे जनरली ऑर्गेनाइज बनाता है, बहुत ऑर्गेनाइज हो गया, आपको पता है सुबह 12 से 1 मुझे ये करना है, 8 से 9 मुझे ये करना है, मुझे ऐसे अपना रूम ठीक करना है, ऐसे किचन को संभालना है, ऐसे काम करना है, ऐसे बच्चों को संभालना है, डिसिप्लिन सारी लिस्ट आपके माइंड में चल रही है, तो बहुत ऑर्गेनाइज है क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या तो रह रहे हैं या आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से इन्फ्लुएंस्ड है और वहां की एनर्जीज आपके घर में बहुत ज्यादा। ज्यादा तो देखो, एक्सेस तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा तंग करती है, इसलिए एक्सेस भी नहीं रखना आपको। अब नॉर्थ ईस्ट तो आपने रखना क्योंकि वो आपको ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है, लेकिन ईस्ट के साथ मिलते ही वो केयरलेसनेस में आ जाता है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। साउथ वेस्ट जो है वो हमेशा केयरफुल स्पेंडिंग में आता है। अगर आपको केयरफुल स्पेंडिंग करनी है तो आप ये समझ लीजिए कि साउथ वेस्ट आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है साउथ वेस्ट को। ईस्ट को थोड़ा क्वाइटन कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। जो आपके ईस्ट के एरियाज हैं आपके घर में, वहां पर लाइट्स जलाने की बजाय आप कैंडल्स जलाइए, थोड़ा ऐसा उस एनर्जी को कम करना है तो आप कैंडल्स जला लीजिए बीच बीच में, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे कैंडल्स जलाइए उस एरिया में और उसकी एनर्जी लाइट्स से कम कर दीजिए ना, कैंडल्स में कम लाइट आएगी, कम एनर्जी हो जाएगी उधर की, उतना ज्यादा उस एरिया को डेकोरेट अगर आपको करना है तो पेल ग्रीन्स ब्लूज उस शेड से कीजिए, रूम को, वॉल्स को, आप अपना कर्टन्स लगा सकते हैं उस कलर के, उस हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है आपके घर का, उसे आपको फिल करना है, ऐसी डिशेस रख दीजिए जिसमें कि टेबल स्पून सी सॉल्ट हो, तो वो भी एक्सेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहां पर मैंने जैसे आपको बताया था, ईस्ट में अगर ईस्ट में ज्यादा हो रहा है तो ईस्ट को क्वाइटन करने के लिए आपको पेल ग्रीन और ब्लू यूज करना है, नॉर्थ ईस्ट को क्वाइटन करने के लिए आपको पिंक या ग्रे से उस एरिया को डेकोरेट करना है, तो आपकी ये एनर्जी जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब ये भी हो जाता है कई बार, आपका रूम ना हो, आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका फ्रंट या बैक डोर हो, अगर आपका फ्रंट या बैक डोर होगा तो आपको वहां पर बुशी प्लांट्स लगाने हैं, बहुत घने घने बुशी प्लांट्स लगाने हैं।
साउथ वेस्ट की एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि साउथ वेस्ट की एनर्जी केयरफुल एनर्जी है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो वहां पर येलो फ्लावर्स प्लेस कीजिए, गेंदे के फ्लावर्स। नॉर्मली आप डेकोरेट करके क्रिस्टल में भी येलो फ्लावर्स रख सकते हो, आर्टिफिशियल भी रख सकते हो उस एरिया में। नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा सा एनर्जाइज करो, नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट को आप थोड़ा सा एनर्जाइज करो। कैसे करोगे? राउंड मेटल पेंडुलम क्लॉक लगाओ, राउंड मेटल पेंडुलम क्लॉक। उस एरिया में आप सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, अपने कोई कॉइन्स की कलेक्शन रख सकते हैं, मेटल का नंबर भी इंक्रीज होगा। मेटल का नंबर कौन सा है? 6 and 7। 7 रिसर्च में, स्पिरिचुअलिज्म में, बहुत ज्यादा डीप साइंस में, इंटेलेक्चुअल में आएगा कहीं ना कहीं, ट्रैक्ट से स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअल बनेगा। 6 नंबर पैसे का नंबर है, 6 को बचाना है मेटल में, तो आप क्या करोगे? सिल्वर के बाउल्स रखो, उसमें कॉइन्स रखो। नहीं आपने सिल्वर का बाउल रखना, नॉर्मल बाउल रख लो। अच्छा, अब आपने यहाँ पर किसी भी हालत में बहुत हार्ड सर्फेसेस नहीं रखने नॉर्थ वेस्ट में। राउंड मेटल पेंडुलम क्लॉक, मिरर्स रख सकते हैं, क्रिस्टल्स रख सकते हैं, शार्प कॉर्नर्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो ठीक है, वैसे मिरर्स और क्रिस्टल्स ही ठीक है इस एरिया में। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी जल्दी खर्चा करते हैं, एक मॉल में जाकर अपने पैसों का बहुत खर्चा करने वाले लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज वो वीडियोस बताइए जिससे कि हम अपना खर्चा कम करें, पैसे हमारे जुड़ नहीं रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि खर्चा कैसे कम करना है, अब पैसे जोड़ने का भी बीच बीच में बताती रहूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।